Hello students, welcome to the class today. So you know we are carrying on with this chapter climate, chapter 4. And last video, last class, what we had discussed, cold weather season. Jo bhi chal raha hai. Theek hai? You can easily relate to that. The winter season that's going on. Abhi jo barish hogi. ठीक है, जितने भी अनाज हैं, दिस इज इसके लिए बहुत फायदेमंद होता है. एंड दिस काइंड ऑफ रेनफॉल, ये जो बारिश हो रही है एट अ लोकल लेवल, दिस इज कॉल्ड एज महावत. क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज महावत. एंड कम टाइम के लिए होती है. इट इज स्मॉल एंड इमेंस इंपॉर्टेंस. रबी क्रॉप, I told you that the rabi crop that is there, उसके लिए महावत is very important. ये मैं आपको पीछे chapter, पीछे वाले topic से, पीछे वाले video से, I'm just giving you a brief thing. You can see the green vegetables that are coming these days. पालक, मेथी, बथुआ and सरसों का, वो सरसों नहीं, चने का साग and all that. ये जो साग आ रहा था, इसको मोर द मॉइस्चर, मोर द फ्रॉस्ट दैट इज देयर, जितना ओस दैट इज द सब्जी वाला वाज सेइंग कि दीदी वो ओस गिरता है ना, तो उससे ये हरा सब्जी जो है बहुत आपको फ्रेश मिलेगा. बिकॉज आई सेड कैसा पालक लेके आए हो, बिल्कुल मुरझाया हुआ. बोला नहीं नहीं हम पुराना लेके नहीं आए हैं, अभी देखिएगा और थोड़ा ओस बढ़ेगा और थोड़ी ठंड बढ़ेगी तो आपको और अच्छा पालक मिलेगा. यू नो दीज द विलेज पीपल, द लोकल पीपल हु आर देयर, इनको बहुत जानकारी होती है. गांव गांव के रहने वाले होते हैं ना, तो कौन सी बारिश, कौन सा पानी, कौन सा क्या, किस तरह से, मतलब इट वुड बी हेल्पफुल. दे आर वेरी नॉलेजेबल अबाउट इट. गॉट इट? तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी, दैट द विलेजर्स हु आर देयर, द पीपल हु आर ग्रोइंग फूड, ग्रोइंग क्रॉप्स, दे गेट लॉट ऑफ बेनिफिट बिकॉज ऑफ महावत. महावत इज द रेन्स दैट आर हैपनिंग इन द विंटर्स. याद रखना बेटे, बिकॉज दीज क्वेश्चन कुड बी इजली आस्क्ड फॉर योर, यस यूपीज आ रहे हैं इन योर एनुअल्स. दीज आर द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड फ्रॉम द मिड ऑफ द चैप्टर. ओके, अब क्या है, हॉट वेदर सीजन के बारे में जब हम बातें कर रहे हैं, तो मार्च से मई के बीच में इट इज हॉट वेदर सीजन. गॉट इट? यू नो इट वेरी वेल. एंड 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है. मे में द टेम्परेचर रीचेज टू 45 डिग्री सेल्सियस. कॉमन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में इट इज वेरी कॉमन. पेनिनसुलर इंडिया में टेम्परेचर रिमेन्स लोअर क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन. हाँ, अब मैप से ही समझाऊंगी ना. आई विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द मैप. आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आउटपुट ऑफ द previous topic that we all have done. I make a very bad diagram, but this is what I wanted to explain. Explanation ke liye to itna kafi hai. Got it? Summer month mein this area gets heated. This is north, northern plains. Got it? अब नॉर्दर्न प्लेन्स आर हीटेड, लो प्रेशर एरिया हैज डेवलप्ड, टेम्परेचर राइज करेगा तो एयर प्रेशर कम होगा इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. नॉर्थ में दिस इज द सिचुएशन. एंड बाय द एंड ऑफ मे व्हाट हैपेंस कि लो प्रेशर एरिया डेवलप्स. लो प्रेशर एरिया, ये यहां पे थार डेजर्ट इज देयर, प्लीज रिमेम्बर थार इज हियर. डेजर्ट एरिया है तो डेजर्ट एरिया का तो आप हीट समझ ही सकते हो. तो राइट फ्रॉम डेजर्ट एरिया टू हियर इज पटना, मतलब फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट इन द नॉर्दर्न रीजन एवरीवेयर एक्सट्रीम वेदर्स आर देयर. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड कि छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, नागपुर इज हियर, नागपुर प्लेट्यू, द कंप्लीट छोटा नागपुर प्लेट्यू दैट इज देयर इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट दिस रीजन. साउथ ईस्ट, ईस्टर्न रीजन है ना ये. सो ईस्ट
एंड साउथ ईस्ट में व्हाट हैपेंस कि सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन अराउंड दिस ट्रफ. यहां पे जो हवा का मूवमेंट हो रहा है, द एयर मूवमेंट दैट इज देयर, इट इज सेटलिंग हियर. ट्रफ, गॉट इट? अब इसमें ड्यूरिंग दिस टाइम जब व्हेन इट इज आस्क्ड व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द समर सीजन, पता है अगेन आई एम टेलिंग यू, अब पहले भी मैंने बताया है, व्हेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर आस्क्ड और द कंडीशंस, वेदर कंडीशंस आर आस्क्ड, तो भैया थोड़ा इस चीज को समझो प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप क्या, वी स्वेट अ लॉट एंड द सन इज वेरी हार्श एंड वी नीड कूलर एंड एसी इज ऑन, क्या है ये? ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप क्या क्लास 1-2 के बच्चे की तरह आंसर कर रहे हो? डोंट डू दिस. गिव द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द वेदर चेंजेस एंड द हाई प्रेशर कंडीशंस एंड द लो कंडीशंस दैट आर एग्जिस्टिंग. अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस टाइम इज, अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द समर सीजन, एक अलग तरीके की हवा बहती है इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्थ में ये एक अलग तरीके की बहुत गर्म हवा बहती है, विच इज स्ट्रॉन्ग, गस्टी. गस्टी मीन्स धूल से भरी हुई, हॉट एंड ड्राई. नॉर्थ में एंड नॉर्थ वेस्ट में इट इज ब्लोइंग. लू का ये एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ लू. ओके, ये हटा देती हूं. सो थार से पटना तक का ये जो रीजन है, यहीं पे आपको लू मिलेगा. जैसे ही यू क्रॉस द नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू जब आप क्रॉस करते हैं, यू वॉन्ट गेट लू हियर. एंड इवनिंग में भी कितनी बार तो शाम को भी लोग, एंड यू आर स्टेइंग इन वाराणसी, यू माइट बी अ विटनेस टू इट, लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम फ्रॉम द पेरेंट्स व्हेन इन द समर सीजन यू गो आउट. पन्ना पी के निकलो, आम का पन्ना पियो, पानी पियो अच्छे से, हैव लॉट ऑफ वाटर, बिकॉज व्हाट हैपेंस विथ द कमिंग ऑफ लू, जब लू चलती है तो इट जस्ट एग्जॉस्ट ऑल द वॉटर इन योर बॉडी. आपके शरीर का पानी जो है ना वो खत्म हो जाता है. तो इट्स अ रियल टफ टाइम, बहुत ही मुश्किल होती है इस तरह के सीजन में अपने आप को सर्वाइव करना. एंड लू, मेनी टाइम्स यू नो द न्यूज पेपर इज फिल्ड विद न्यूज कि लू के वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई. हाँ, आदमी जा रहा है एंड लू हवा इतनी तेज चल रही है कि विद इन 15-20 मिनट्स वहीं पे गिर गए एंड ही पासेस अवे. तो इम्यून सिस्टम एंड लुकिंग फॉर द थिंग्स, आप देखो पूरा आदमी बांध आंध के जाता है कि वॉट एवर एयर इज देयर और वॉट एवर गस्टी विंड इज देयर, दैट इज ओनली ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. अंदर तक लू का असर नहीं जाना चाहिए. ओके, डायरेक्ट एक्सपोजर इज टू दिस विंड्स मे कॉज मे प्रूव फैटल. फैटल मतलब बहुत खतरनाक हो सकता है. डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन, गर्मी में धूल वाली जो आंधी होती है इट इज वेरी कॉमन. बड़ी तेज ये आंधी चलती है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे. एंड क्या होता है, इससे हमको थोड़ा सा आराम तब मिलता है, वी गेट अ बिट रिलीफ फ्रॉम दिस एक्सट्रीम वेदर व्हेन रेन्स कम एंड कूल ब्रीजेस देयर. दीज स्टॉर्म्स ब्रिंग टेम्पररी, ये जो आंधी चलती समय, काफी आंधी चलती है तो टेम्पररी हमको कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम वी गेट रिलीफ, है ना, इससे हमको आजादी मिलती है इस गर्मी से. एंड दीज और उसके बाद, लेकिन ये बहुत टेम्पररी होती है बिकॉज समर सीजन इज देयर, तो होल सीजन द फेनोमेना ऑफ समर सीजन विल कंटिन्यू, वो पूरे वेदर में कंटिन्यू होना ही होना है. ओके, देन देयर आर localized, क्या होता है, दिस सीजन इज ऑल्सो फॉर localized थंडर स्टॉर्म्स. कितनी बार तेज आंधी के साथ बारिश होती है. ओके, एक्सट्रीम हीट
with extreme temperature, and at times there are good rains. Violent winds, बड़ी तेज हवा चलती है, torrential downpours are there. ठीक है, local level पे lot of thunderstorms are there. Please try to understand that. Local thunderstorms are common. काफी तेज हवा चलती है. ओके, एंड बहुत तेज थंडरस्टॉर्म्स आर कॉमन. क्या होता है? वॉयलेंट विंड्स आर देयर. वॉयलेंट विंड्स मतलब जिसको आप सस्टेन, यू कैन नॉट सस्टेन दीज विंड्स. इट इज ब्लोइंग सो हार्शली कि इसको कितनी बार क्या होता है, बहुत नुकसान भी हो जाता है. ओके, थंडरस्टॉर्म्स आर कॉमन एंड वॉयलेंट विंड्स आर देयर. नाउ वॉयलेंट विंड्स में it is very difficult to control these winds and the temperature that is there, and there is torrential rainfall, torrential downpour. Torrential downpour मतलब it's ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा technical language में दिया हुआ है. Torrential मतलब एकदम हिला देने वाली बारिश. डाउनपोर मीन्स जो जो द रेन्स दैट आर कमिंग फ्रॉम अप, द टॉरेंशियल डाउनपोर इज देयर. एंड इससे क्या होता है कि ऑफन एकम्पनीड बाय हेल. यू नो इट हैपेंस जुलाई उलाई में क्या होता है, मतलब अराउंड जून एंड ऑल कभी कभी बारिश होती है तो उसके साथ आप देखोगे ना बर्फ के टुकड़े भी पड़ने लगते हैं. पट 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 आवाज हो रही थी. आई सेड व्हाट इज दिस, दे सेड मैम बर्फ पड़ रही है. सो सम एक्सट्रीम कोल्ड विंड माइट हैव एनकाउंटर्ड विद द क्लाउड्स दैट आर देयर अप. उससे ये मॉनसून के साथ जब इस तरह के हवा का एनकाउंटर हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग रेन्स वी आर गेटिंग हेल स्टॉर्म्स. हाँ, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े जो है वो गिरने लगते हैं. सो वेस्ट बंगाल में क्या होता है, ये जो आंधी आती है, बिकॉज मेजरली ऑल दीज रेन्स दैट आर हैपनिंग, ये जो रेन्स जो हो रही हैं, दिस इज ऑल इन दिस प्लेस. गॉट इट? क्योंकि नॉर्दर्न रीजन में ये जो ट्रफ क्रिएट हुआ है, प्लीज अंडरस्टैंड कि हाई प्रेशर इधर है, यहां पे नॉर्मल टेम्परेचर है, ये दो हाई प्रेशर के बीच में एक बड़ा सा लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ है, ड्यू टू विच द रेन्स आर हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल. रेन्स आर देयर. और ये जो रेन्स हो रहे हैं वेस्ट बंगाल में, this is bringing the changes, big changes are happening, and the changes that are happening and the wind that is blowing, hawa jo chal rahi hai, halka sa aandhi toofan aa raha hai, uske sath jo andhad aa rahi hai, usko kya kehte hain, it is called as kal baisakhi. Thunderstorms मतलब हल्की सी बारिश के साथ इन वेस्ट बंगाल आर काल बैसाखी. इन एवरी टॉपिक, हर एक टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ ये सारे एक्सप्लेनेशंस आर देयर. सम एक्सप्लेनेशंस आर देयर इन ईच एंड एवरी टॉपिक जो कि आपको याद रखना है. लाइक इन द विंटर सीजन द रेन्स दैट आर हैपनिंग इज महावत. गॉट इट? अभी इन द बिगनिंग ओनली आई टोल्ड यू दैट दीज कॉन्सेप्ट, सम कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी वेरी क्लियर. एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग समर सीजन में बारिश जो हो रही है थंडर स्टॉर्म के साथ, दिस इज काल बैसाखी. सो व्हाट इज काल बैसाखी? It is the outpour or the downpour in the West Bengal region, and the storm that is there is Kal Baisakhi. Local thunderstorms are there, violent winds are there,
टोरेंशियल डाउनपोर्स, बहुत तेज बारिश होती है. दिस इज अकंपनीड बाय हेल, कभी कभी बर्फ भी पड़ने लगती है. गॉट इट? एंड इन द वेस्ट रीजन एंड दिस इज कॉल्ड एज काल बैसाखी. गॉट इट? नाउ जैसे जैसे समर सीजन इज एंडिंग, समर सीजन इज फिनिशिंग, द प्री मॉनसून शावर्स आर विटनेस्ड इन केरला एंड कर्नाटका. मॉनसून आ रहा है ना, समर्स आर गोइंग एंड मॉनसून आर कमिंग, एडवांसिंग मॉनसून सीजन आर देयर. सो द मॉनसून दैट इज कमिंग, द मॉनसून प्री मॉनसून, ठीक है, प्री मॉनसून रेन्स आर देयर इन कहां पे है, इन हियर. दिस इज कर्नाटका एंड दिस इज केरला. सो इन कर्नाटका एंड केरला रीजन तो ये जो मॉनसून वाली बारिश हो रही है इसको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज मैंगो शावर. मैंगो शावर, गॉट इट? हाँ, क्या होता है देखो, ऐसे भी गर्मी में भी आप देखोगे ना दैट आम का जो ठेला वेला लगाते हैं, द पीपल हु आर सेलिंग मैंगोज एंड ऑल, तो वी आई टोल्ड देम कि पका हुआ तो आम आ नहीं रहा है. ही सेड ऐसा है कि अभी बारिश होगी, एक बारिश के बाद ही आम पकेगा. सो वॉट हैपन्स दैट द मैंगो ट्रीज दैट आर देयर इन केरला एंड कर्नाटका, वहां जो मैंगोज लगे होते हैं दे गेट राइपन, वो जैसे ही बारिश होती है वो आम पक जाते हैं. तो दिस राइपनिंग हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ मैंगो, मैंगो को पकने में ये सहायता होती है इन बारिश के वजह से. दैट्स वाई इसका नाम ही मैंगो शावर पड़ गया, ठीक है, आम के वजह से जो बारिश हो रही है दैट इज वॉट इज मैंगो शावर. गॉट इट? दिस वॉज ऑल अबाउट समर सीजन. आई होप द कॉन्सेप्ट आर क्लियर. इसमें आपको जो चीजें याद रखनी है दैट हाउ द चेंजेस, हाउ द क्लाइमेटिक कंडीशन आर इन फ्रॉम क्लाइमेटिक कंडीशन दैट आर एग्जिस्टिंग फ्रॉम थार टू पटना, दैट इज फ्रॉम ईस्टर्न रीजन ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट तक द रेन्स द सीजन दैट इज कंटिन्यूइंग. पटना तक है, देखो नॉर्थ ईस्ट हमने इसमें नहीं इंक्लूड किया बिकॉज इट इज द माउंटेनियस रीजन विथ लॉट ऑफ स्टॉर्म्स, लॉट ऑफ ट्रीज एंड the weather conditions that are prevailing there are quite moderate, quite normal. बहुत ज्यादा वाली जो है बारिश जो है वहां पे नहीं हो रही है, बारिश हो रही है लेकिन गर्मी बहुत नहीं पड़ रही है, सॉरी. ओके, एक्सट्रीम हीट इज नॉट विटनेस इन नॉर्थ ईस्ट. इसलिए हमने क्या किया, वी हैव टोल्ड दैट द क्लाइमेटिक conditions दैट आर देयर फ्रॉम थार टू पटना. गॉट इट? नाउ वॉट वी सी इज द रेनी सीजन कम्स, भाई बारिश आ गई, बारिश आ गई, एडवांसिंग मॉनसून आ रही है बारिश, अभी इट इज कमिंग. गॉट इट? जस्ट फॉर अ लाइटर साइड. ओके, सो यू आर विटनेसिंग नाउ द रेनी सीजन. ओके, अर्ली जून में, जून के आसपास, बिकॉज मे एंड जून द हीट, एक्सट्रीम हीट हैज बीन विटनेस्ड बाय इंडिया एंड ऑल द प्लेसेस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. लो प्रेशर कंडीशंस आर देयर ओवर नॉर्मल नॉर्दर्न प्लेन, बढ़ जाता है ना जून में, ठीक है, इन द आई थिंक आई विल बाय अ हाँ नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या हो रहा है, हीट हैज इंक्रीज्ड एंड हियर यू हैव अ LPA. मैं शॉर्ट फॉर्म पे लिख रही हूं, मैप छोटा सा बनाया है इसलिए, लो प्रेशर एरिया इज डेवलपिंग. इससे क्या होता है, ये जो ट्रेड विंड्स आर कमिंग,
trade winds are attracted to this area from southern hemisphere. Okay, and yahan pe what happens ki this is southeast, southeast हवा जो बह रही है, जहां लो प्रेशर मिलता है उधर हवा बहने लगती है, ज्यादा तेज हवा उधर जाती है. एवरी टाइम द फ्लो इज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर एरिया. ओके, एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस प्लेस, वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ सदर्न ओशन. ये जो साउथ में ओशन है, ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, फ्रॉम हियर द वार्म एयर्स आर ब्लोइंग. गर्म हवा, काफी तेज हवा चल रही है. ओके, दीज वार्म एयर दैट इज ब्लोइंग हियर, ओके, दीज ट्रेड विंड्स दे ओरिजिनेट ओवर द सब ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द सदर्न ओशन. Got it. They cross the equator. यहां पे equator है. This is equator. इसको cross करके ये जो हवाएं हैं ये इधर चलने लगती हैं. This air, it is not always straight ना, it is like this ना. प्लीज अंडरस्टैंड, वो मैंने आपको द प्रेशर बेल्ट दैट आई हैव टोल्ड यू ना. तो ये इक्वेटर है, यहां से जो ट्रेड विंड्स आ रहे हैं इट्स पाथ गेट्स डिफ्लेक्टेड एंड इट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हियर इक्वेटर. गॉट इट. तो सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ सदर्न ओशन के ऊपर ये सारी हवाएं जो बह रही हैं, इट स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द वेस्टर्ली डायरेक्शन. आप देखो ये मैंने ऑलरेडी बना दिया है, एंटरिंग द इंडियन पेनिसुला एज द साउथ वेस्ट मॉनसून. ये ट्रेड विंड जो है लो प्रेशर एरिया के तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. साउथ वेस्ट मॉनसून जो है इट स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स दिस एरिया एंड दीज विंड्स आर ब्लोइंग ओवर द वार्म ओशन. इस समय तक हीट इज वेरी हाई, जून की बात हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट जून. By this time, the ocean water is very hot. So it is blowing at an average velocity of 30 km per hour. Winds that are blowing कम है, मतलब बहुत तेज नहीं ना, जैसे 110, 120 इस तरह भी तो होता है ना, 30 km per hour. काफी अच्छी से द विंड्स आर ब्लोइंग एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट. यहां पे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में अलग तरीके का माहौल है. मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ. खाली इस जगह को छोड़ के, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को छोड़ के, द होल ऑफ द कंट्री इज एनगल्फ्ड विद द एडवांसिंग मानसून. साउथ वेस्ट मानसून कम्स इन टू इंडिया. टोटल चेंज इज देयर इन द वेदर कंडीशंस. पहले द वेस्टर्न घाट रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल. हवा आ गई, मॉनसून की हवाएं आ गई हैं, मॉनसून की हवाएं बह रही हैं. सो हियर वी हैव द वेस्टर्न घाट्स, हियर वी हैव द ईस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स are receiving maximum rainfall and it is also called as the windward side of the western ghats. Very heavy rainfall, more than 250 cm. Deccan plateau region is there, Madhya Pradesh is there, they also receive a small amount of rain in spite of lying in the rain shadow area. ठीक है, वेयर द रेन्स आर, वेयर द मॉनसून आर हिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मेजर रेन्स हैपन देयर. आफ्टर दैट इट मूव्स टुवर्ड्स द अदर प्लेसेस. मैक्सिमम रेनफॉल इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्ट.
नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज देयर एंड यू नो इट वेरी वेल. मौसिनराम इज द प्लेस वेयर मौसिनराम इन खासी हिल्स. मौसिनराम इन खासी हिल्स इज विटनेसिंग मैक्सिमम रेनफॉल. इट्स इजंट इट अमेजिंग कि बाय गॉड पूरे साल बारिश होती है. दो तीन दिन लगातार बारिश हो जाए हालत खराब हो जाती है. हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में. एंड ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस जब हम एडवांसिंग जब हम मॉनसून के बारे में बात कर रहे थे इंडियन मॉनसून क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे थे. दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ the Bay of Bengal region and the Bay of Bengal hai ek taraf, Arabian Sea is on the other side. So, jaise hi se it is blowing, it is flowing gradually and slowly. Kya hota hai? That the rains that are in a very high manner, the rains that are there in a very high manner, it gets lessened. नॉर्थ ईस्ट से जब गंगा प्लेन्स के ऊपर द मॉनसून विंड्स आर ब्लोइंग सो गंगा प्लेन्स आर रिसीविंग द रेन्स एंड डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. राजस्थान एंड गुजरात आर गेटिंग वेरी लेस रेनफॉल. पहले भी हम बता चुके हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट बिकॉज बाय द टाइम मॉनसून रीचेस देयर इट हैज वीकेंड. मॉनसून उस समय तक धीमे पड़ जाते हैं कम हो जाते हैं. ओके तो मॉनसून टाइम का वन मोर फीचर इज देयर कि समटाइम्स बारिश होते होते बिल्कुल खत्म हो जाती है बिल्कुल रुक जाती है. देयर आर सम ड्राई स्पेल्स देयर आर सम ड्राई रीजन कम सम प्लेसेस आर रेनलेस इंटरवल्स. कहीं लगातार बारिश हो रही है कहीं बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है. हाउ डज इट हैपन. ओके वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो. जस्ट लेट मी शो यू टू थ्री थिंग्स. सो स्टूडेंट्स just now that we have done about the hot weather season. Hot weather season humne complete kar liya tha. Now we are we have discussed about the advancing monsoon season. Advancing monsoon season mein children please understand abhi hamare yahan pe jab barish aa rahi hai two three things that were there that you need to remember. जो चीज़ें आपको याद करनी रहती है ना वो मैं आपको बुक में ही बता देती हूँ. वाई आई टेल इट टू यू इन द फ्रॉम द बुक ओनली सो दैट यू आर वेरी वेल नोन टू द कॉन्सेप्ट्स दैट आर गिवन देयर विच यू नीड टू रिमेंबर. एक जो आपको इसमें याद रखना है विंटर सीजन में देयर इज द महावत. ओके टू रिमेंबर अबाउट काल बैसाखी. ठीक है टॉरेंशियल डाउनपोर तेज हवाओं के साथ तेज बिजली कड़कने के साथ ये जो बारिश हुई टॉरेंशियल डाउनपोर. ओके इसके बाद आसपास के एरियाज में जो बारिश हो रही है थंडर स्टॉर्म्स दैट आर देयर उसको भी हम कहेंगे. दूसरी चीज जो वन मार्क के लिए वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन व्हाट आर मैंगो शावर्स. मैंगो शावर्स किस स्टेट में हमको मिलते हैं केरला एंड कर्नाटका एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैंगो शावर. ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई मैंगो शावर. इसको हम कुछ और नाम भी तो दे सकते हैं लेकिन नहीं वी आर कॉलिंग इट एज मैंगो शावर्स. गॉट इट. अनदर थिंग कि अब क्या है आपको अंडरस्टैंड करना है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स विच इज ओरिजिनेटिंग ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ सदर्न ओशन. ये जो हमने बताया था यहां पे दिस इज साउथ ओशन. साउथ ओशन के बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी. साउथ ओशन यहां से द प्रेशर दैट इज क्रिएटेड ये इक्वेटर को क्रॉस करके इट इज ब्लोइंग टुवर्ड्स द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन. जो हवाएं आ रही हैं वो वेस्ट के तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं. इंडियन पेनिनसुला में साउथ वेस्ट मॉनसून सबसे पहले इट इज कमिंग. गॉट इट. प्लीज अंडरस्टैंड.
एंड हर जगह पे बारिश हो रही है एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट. कॉन्सेप्ट एंड फेनोमेना वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि खाली नॉर्थ वेस्ट में ही बारिश क्यों नहीं हो रही है, बाकी हर जगह बारिश क्यों हो रही है. क्योंकि बाय द टाइम द मॉनसून रीचेस देयर इट हैज ऑलरेडी वीकेंड, कमजोर पड़ जाती है बारिश यहां तक पहुंचते पहुंचते. ओके, ये आप समझ लेना. एंड देन द रेनफॉल्स दैट आर हैपनिंग, हाईएस्ट रेनफॉल मौसिन राम. मौसिन राम की अब क्या आप करते हो पता है, वाई आईड आउट मौसिन राम, स्पेलिंग गलत कर दोगे, इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन. लिख के अच्छे से स्पेलिंग आपको मैंशन करना है. गॉट इट. चलो चिल्ड्रन, विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.